मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके और मैं जो डिश बनाऊँ उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही यमी सा, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में चॉकलेट पाउंड केक। ये चॉकलेट टी केक भी है, पाउंड केक भी है, जो हम मार्केट से लेते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। इसको मैं बेक करूँगी पतीले में, बहुत आसान है ये बनाना। तो चलिए फिर मैं आपसे इसकी रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक बॉल लिया हुआ है मैंने। बॉल जो है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, किसी भी किस्म की कोई भी चिकनाहट या गीलापन नहीं होना चाहिए जिस बर्तन में हम केक का बैटर रेडी करेंगे। सही है, इसमें मैं जो है वो लूँगी 5 अंडे। चलिए ले लेते हैं। बॉल में मैंने 5 अंडे ले लिए हैं। अब इसमें जाएगा यहाँ पे 1 प्याली चीनी पिसी हुई। मैंने चीनी ली थी इससे 1 प्याली, ये वाली कप से मैंने मेजरमेंट की है। 1 कप जो है मैंने चीनी ली, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया और इसको जो है मैं अंडों में डाल देती हूँ। चलिए जी, ये जो है चीनी जो है अच्छे से अंडों में चली गई है। और साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस, ये मैं ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसमें चला गया और अब हम इसको करेंगे बीट। अंडों की जो क्वांटिटी है कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और बिल्कुल ये फ्लफी हो चुका है। अब इस स्टेज में मैं 1 प्याली जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, इसको ऐड करूँगी। 1 पूरी प्याली इसमें चला जाएगा ये, और इसको जो है सिर्फ 2 मिनट जो है मैं और बीट करूँगी। अभी यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। साथ ही यहाँ पर चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 प्याली मैदा। जो प्याली की मेजरमेंट मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं किससे ये तमाम चीज़ें जो है वो ले रही हूँ, यहाँ पे मैं इसमें 2 प्याली मैदा ये डाल देती हूँ। ये इसको चलिए जी, ये मैंने 2 प्याली मैदा लिया है। इसमें मैंने 3 खाने का चम्मच जो है वो लिया हुआ है कोको पाउडर, और 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। इन चीज़ों को डाल के इसमें छानती जाती हूँ इसको मिक्स करके, और इसमें ऐड कर देते हैं। मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद इसको बीटर करूँगी। अभी डायरेक्ट अगर मैंने मशीन ऑन कर दी तो ये जो सारा जो है ना ये पाउडर पूरा उड़ के ना मेरे मुंह पे ही आ जाना है इसमें। तो इसको जो है मैं लाइट हैंड से फोल्डिंग स्टाइल में, इसको क्लॉकिंग स्टाइल में इसको फोल्ड कर देती हूँ। इतनी देर बीट करूँगी ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, एक बैटर बन जाए। ये मिक्स हो चुका है बैटर, ये देखें इतना ये थिक है यहाँ पर। अब इस स्टेज में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 4 खाने का चम्मच फ्रेश मिल्क। ये फ्रेश मिल्क है, ये पाउडर मिल्क नहीं है। इसको इसमें ऐड करके अब मैं इसे मेक श्योर कर लूँगी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से केक का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है, मिक्सचर मिक्स हो चुका है। अभी यहाँ पे मैंने ये पाउंड केक का जो साँचा है ये लिया हुआ था, इसको मैंने ग्रीस करके ऑयल से बटर पेपर लगा दिया है, और इसको मैंने मैदे से थोड़ा डस्ट भी कर दिया था। अब मैं इसको जो है इसमें पूरा पोर कर दूँगी। यहाँ पे मैं इसको बस 2 दफ़ा टैप कर लेती हूँ ताकि कोई भी एयर है वो निकल जाए, और अब इसको मैं बेक होने रखती हूँ पतीले में। पतीले में मैंने नीचे नमक की लेयर लगा दी थी और उस पर स्टैंड रख दिया था, और इसको आधा घंटा पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने रख दिया था। अब ये केक का बैटर इसमें रख के मैं इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको बेक करूँगी। 45 मिनट्स लगे हैं और केक हमारा जो है बहुत ही अच्छा सा परफेक्ट सा बेक हो चुका है। नाइफ़ मैंने डाल के इसको चेक कर लिया है, नाइफ़ बिल्कुल जो है वो क्लीन निकली है। अभी मैं इसको ठंडा करने रखती हूँ, उसके बाद फिर आपको इसको कट करके दिखाती हूँ।
मज़ेदार सा चॉकलेट फाउंड केक तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।